सारा रिमोट कंट्रोल हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं। उसने चैनल चेंज किया, उसने जोर से बात की तो हम भी क्या करते हैं, जोर से चलाना शुरू कर देते हैं। उसने चीटिंग की तो हम भी चीटिंग करते हैं। आज उसने मुझे टिफिन में से अच्छा आया, अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं किया तो मैं भी नहीं करती। बदला लेते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं? उसने मुझे नहीं दिया था, हम याद रखते हैं तो मैं क्यों दूँ? तो भगवान ने क्या कहा, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज गिव, यू शुड बी गिवर। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें नई दुनिया बनानी है। किसी को झूठे लोग अच्छे लगते हैं? किसी के फ्रेंड से जो हमेशा झूठ बोलता है तो अच्छा लगता है आपको? आपको पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है तो आपको कैसा लगता है? तो हमें कैसी दुनिया बनानी है? सच्ची दुनिया बनानी है। उसके लिए हमें कौन सा योग लाना है? सत्य योग लाना है। तो उसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है? खुद से, है ना? इट ऑल स्टार्ट्स विद द सेल्फ, है ना? तो मुझे अपने अंदर क्या करना है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज को भरना है। तो हम कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे? अगर मुझे मोबाइल को चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगी? चार्जर लगाऊंगी, सॉकेट में लगाऊंगी, फिर ही को चार्ज होगा। तो आपको भी अपनी बैटरी को चार्ज करना है कि नहीं? तो हम कैसे करेंगे? हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। क्या फॉर्मूला है पता? के पी स्क्वायर लो हाई पी टी। के फॉर नॉलेज, पी फॉर पीस एंड पी फॉर पावर। फिर क्या था? लो हाई, तो एल फॉर लव, एच फॉर, फिर क्या बोला था, पी पी, बी फॉर ब्लिस। ब्लिस मतलब असिंद्रिय सुख, बहुत हैप्पीनेस का है, पर हैप्पीनेस से भी जो बढ़ती है ना उसको बोलते हैं इंद्रिय सुख। एंड लास्ट पी फॉर प्योरिटी। अब सबको याद होगा, अब दो मिनट में हम याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? के पी स्क्वायर लो हाई पी पी, है ना? देखो पढ़ाई भी हम अगर मस्ती मस्ती में ऐसे इजीली करें तो हम याद कर सकते हैं, पर उसी चीज़ को रट्टा मारने लगे तो ज़्यादा टाइम लगता है ना? उसको समझ के करें तो जल्दी याद होगा। अब सब फिर बोलेंगे, बोलो फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। और आत्मा के साथ गुण मैं पूछ रही हूँ, आत्मा के साथ गुण क्या है आप हिंदी की बोल सकते हो? आत्मा कौन? मैं, सोल, मेरे साथ गुण यानी ये मेरी नेचर है। तो बताओ मेरी नेचर क्या है सोल की? कितना इजी हो गया ना? अच्छा लगा। अभी देखो वॉट आइस है, आइस मतलब बर्फ। बर्फ का पास्ट क्या है? वॉटर। बर्फ का फ्यूचर क्या है? आइस, सॉरी, आइस का फ्यूचर क्या है? वाटर। आइस का पास्ट क्या है? वाटर, है ना? तो हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? ये सात गुण, है ना?
हमारा पास्ट भी ये है, हमारा फ्यूचर भी ये है. तो कोई भी लाइफ में सिचुएशन आती है तो हमें कैसा रहना है, एकदम आज कैसा रहना है, क्योंकि हमें हमारे को भूलना नहीं, यही हमारा पास्ट है और यही हमारा फ्यूचर है ना. अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी भी हो, मेरा किसी से दोस्ती टूट गई हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, है ना, वो टाइम भी उनकी लगी है. पर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी ओरिजिनल नेचर तो क्या है, नॉलेज. नॉलेज किस चीज की, कि मुझे उसको फॉरगिव करना है. अंडरस्टूड? नॉलेज किस चीज की, कि मैं एक सोल हूँ, वो जो सामने वाला है वो भी एक सोल है. हाँ, ये इसको बोलते हैं नॉलेज, समझ. और लव, जब हम लव की फीलिंग लाएंगे तो हम फॉरगिव करना इजी हो जाएगा, है ना. देखो, टू गेट, टू गिव, इसको स्क्वायर करो. टू गेट, टू गिव, इसका स्क्वायर करो. टू का स्क्वायर क्या है, फोर. तो अभी सेंटेंस बनाओ, फॉर गिव फॉर गेट, है ना. कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसको फॉरगेट कर दो, फॉरगिव कर दो. किसी ने हमारे साथ गलत किया है उसको फॉरगिव कर दो, उसको प्यार की फीलिंग भेजो, तो वो अपने आप उसको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया था. तुम ये सोचते बैठोगे कि उसको कैसे पता चले मैंने गलत किया, जब तुम प्यार की फीलिंग्स भेजोगे ना तो उसको अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक सोल है ना, उसमें भी सातों गुण है कि नहीं, उसमें भी समझ भी है. नॉलेज भी समझ, उसमें भी समझ है, उसमें भी लव है, उसमें भी पीस है ना. उसको भी पीसफुल रहना अच्छा लगता है. देखो, हम कभी कभी घूमने जाने को मन करते हैं, हम कितनी दूर दूर घूमने जाते हैं, है ना, पर अपने घर आके ज़्यादा अच्छा लगता है ना. हम बोलते हैं ना घर आ गए, अच्छा लगता है ना घर आके अपने, है ना, क्योंकि हम सुख शांति ये सब हम बाहर ढूंढते, पर ये सब हमारे अंदर ही है. जैसे अभी एक सर्वे किया जाएगा बहुत भीड़ वाली जगह पे, जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्वे किया, 100 लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो मुझे क्या आंसर्स मिलेंगे. फटाफट सब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसी तीन चीज़ें बोलो जो आपको लाइफ में चाहिए, तो मुझे क्या आंसर्स मिलेंगे वो 100 लोगों से, बताओ फटाफट. मेरे को फटाफट आंसर्स चाहिए ना, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि एक वर्ड में बताओ लाइफ में क्या चाहिए, एक वर्ड में. तो कोई क्या क्या बोलेगा बताओ, क्या आंसर्स आएंगे. मैं जैसे पूछूंगी आपको, मैं पूछ रही हूँ पीस चाहिए, वेरी गुड, और एक वर्ड में क्या आंसर्स मिलेंगे. मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको लाइफ में क्या चाहिए, हैप्पीनेस, वेरी गुड, और लव, वेरी गुड, पावर, पावर, वेरी गुड, है ना, हैप्पीनेस, पावर. देखो, पावर का डेफिनेशन क्या है, ऐसे नहीं कि मेरे में इतनी शक्ति आ जाए, मैं शक्तिमान बन जाऊँ, ऐसे इशू इशू कर, ऐसा पावर मीन्स पावर टू बैकअप, पावर टू फॉरगिव, पावर टू एक्सेप्ट, है ना, सामने वाला जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए भी शक्ति रखती है. तो हमने पहली प्रेयर कौन सी बोली थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो शक्ति मीन्स पावर, है ना. देखो, अभी देखो हम सर्वे करेंगे तो सब लोग क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें चाहते हैं जो आपने बोला, राइट. पर ये सारी चीज़ें तो मेरी अपनी है, मेरी अपनी नेचर है ना. अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, देखो ये सारी ये चीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, इक्वालिटी, फॉरगिवनेस, होप, कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड, ये सब क्या है, वैल्यूज है. अभी हम एक एक्टिविटी